अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल व करम से अच्छे होंगे माशाल्लाह। अभी आप लोगों की दुआ से मेरी बहन भी बहुत अच्छी है। बहुत उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है पेट का, बहुत सारे उसके टाँके आए थे। अभी दो दिन पहले गई, वो थोड़े टाँके खोले हैं। अभी फिर मंगल को जाएगी, फिर टाँके उसके थोड़े खुलेंगे अल्लाह के फजल व करम से। अभी थोड़ा उसको आराम है, उठती बैठती है। तो अभी मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए सीढ़ी। वो सीढ़ी अपनी बेटी के इधर है, तो मैंने सोची चलो मैं आज सीढ़ी जाऊँ। इसके लिए मैं अभी सूप बनाई हूँ और अभी मैं उसके पास जा रही हूँ। इंशाल्लाह अगर अच्छी हालत में वो रही तो आप लोगों को भी मैं उससे ज़रूर मिलाऊँगी। आज कोशिश करूँगी कि मैं उससे आप लोगों को मिलाऊँ। और आज जुम्मा मुबारक दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और मैं अभी पहुंच रही हूँ मेरी बहन के घर, और जुमा भी वहीं जाके बढ़ूँगी मैं। उसके साथ दोपहर का खाना खाऊंगी, फिर रात का खा के फिर वहाँ से निकलूँगी। क्योंकि जब मैं जाती हूँ मेरी बहन के साथ बैठती हूँ तो हम बातें करते तो टाइम ही कहाँ चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है। और हम दोनों बहन बहुत बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। चलिए अभी मैं वहाँ चल के इंशाल्लाह हो सके वहाँ का थोड़ा बहुत वीडियोज़ आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए मैं बना रही हूँ चिकन सूप। आज मैं जा रही हूँ मेरी बहन से मिलने के लिए घर पर, तो आज मैंने सोची कि लाओ फ्रूट नहीं ले जाएंगे। फ्रूट तो उसको बहुत सारे लोग ला रहे हैं, फ्रूट खा के वो तंग आ गई है। उसको रोज़ सूप खाना रहता है माशाल्लाह। उसकी बेटी भी रोज़ सूप बनाकर उसको देती है, तो मैंने सोची लाओ आज मैं अपने घर से बना के ले जाऊँ। ये देखिए ये मैंने 2 से 3 गिलास पानी ली हूँ। और सूप बनाने के लिए ये देखिए ये चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस बनाई हूँ। एक मीडियम साइज़ का छोटा सा टमाटर है, और ये फरस भी है, और ये काली मिर्च पाउडर, गाजर, शिमला मिर्च, ये दरदरा सा कूटा हुआ लहसुन है, और ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा एक प्याज ली हूँ कांदा कट करके। इसको भी सबको चौकर काट के ली हूँ मैंने। और ये चिकन क्यूब एक ली हूँ, इसमें 2 पीस आते हैं लेकिन मुझे इसमें 1 पीस डालना है। और जब हमारा ये चिकन सूप तैयार हो जाएगा उसके बाद ही मैं नमक टेस्ट करके तब डालूँ, क्योंकि चिकन क्यूब में नमक बहुत होता है। तो नमक हमें देख के ही डालना है कि हमें नमक की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि सूप में नमक ज़्यादा हो जाता है तो सूप पिया नहीं जाता है। चलिए अभी मैं बनाती हूँ चिकन सूप। ये देखिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने चिकन को थोड़ा सा मिक्सर में घुमाया है तो वो कहीं जम ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा कीमा की मैं के तरह से ये देखिए छूट गया। अब हम इसको इतना पकाना है कि ये पानी इसका आधा हो जाए, आधा पानी बन जाए। हमको इस तरीके से इसको पकाना है, कम से कम नहीं गोलेंगे तो इसको हमें आधा घंटा पकाना है। थोड़ा सा हमें स्लो गैस करना है और आधा घंटा हमें पकाना है। ये देखिए 1 क्यूब का चिकन क्यूब का पीस इसमें मुझे डालना है। अब ये गर्म होके खुद ही पिघल जाएगा और हमें इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और हमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, तो हमें डालना है 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो पूरा वो जैसे बन जाएगा जैसे कि सूप नहीं खीर बन जाएगा। इस वजह से हमें सिर्फ 1/4 चम्मच ही इसमें कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके हमें इसमें डालना है। अभी हमें इसको आधा घंटा पकाना है। ये देखिए ये काली मिर्च पाउडर तो भूल गई मैं डालना, ये जाएगा अभी हमारा काली मिर्च पाउडर। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप अच्छे से पक गया, हमारी फरस भी और अपना गाजर टमाटर सब गल गया अच्छे से, चिकन भी हमारा पक गया। अब मैंने क्या की हूँ ना, 1/4 चम्मच अपना 1/4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स की हूँ, और ये देखिए ये डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो और अच्छा लगता है। देखिए बस थोड़ा सा ली हूँ, 1/4 चम्मच ही ली हूँ। और अब इसको हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। हम 2 मिनट पकाएंगे इसको तो इसमें गाढ़ापन आएगा और थोड़ी अच्छी चमक आ जाती है। बस अभी 2 मिनट और पकाऊंगी मैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सूप बड़ा अच्छा बन गया है।
ये देखिए सूप तैयार हो गया, मैंने गैस बंद कर दी। अभी ये जो आइस का डब्बा होता है, इस डब्बे में मैं ये सूप डालकर अपनी बहन के यहाँ ले जा रही हूँ ताकि ये गर्म ही रहे। ये देखिए इस डब्बे में, ये गर्म डब्बे में डाल के ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है सीउड़ी। अभी मेरी बहन अपने घर नहीं गई, किंग सर्कल है उसका घर, किंग सर्कल में वो अपने घर नहीं गई है, वो गई है अपनी बेटी के घर, क्योंकि मेरी बहन की सीढ़ी लोखंड वाली है, चौल में रहते हैं ना तो लोखंड वाली सीढ़ी है, और उसकी बेटी बिल्डिंग में रहती है। तो बेटी दामाद ने बोले कि जब तक अच्छे नहीं होते, टाके नहीं खुल जाते, तब तक हमारे ही घर में आके रहो। बड़ी मुश्किल से मेरी बहन रह रही है, उसका तो सारा दिल है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। कैसे हैं दोस्तों, मैं तो अपनी बहन के घर आज गई थी, लेकिन क्या हो गया, हम वहाँ गए, नमाज़ पढ़े, खाना खाए, और उतने में एक ऐसा हादसा हुआ कि हम लोगों को वापस मुमरा आना पड़ा। फ़ोन आया कि मेरी बेटी की नानी सास का इंतकाल हो गया, तो फिर हम लोग वैसे ही वहाँ से निकल कर आए। और मैं अपनी बहन का वीडियो बोली थी मैं आप लोग से बना कर बताऊँगी, अपनी बहन से मिलाऊँगी आज, लेकिन क्या करूँ मैं नहीं मिला पाई क्योंकि अभी यहाँ इंतकाल हो गया मुमरा में, तो इस वजह से हम लोग मुमरा वापस आ गए। मेरी बेटी को भी ले गई थी मैं साथ में कि चल बेटा वहाँ जाएंगे मिलेंगे, लेकिन क्या करे ऐसा हुआ ना कि हम लोगों को वापस वैसे ही रिटर्न आना पड़ा। इस वजह से मैं मेरी बहन से आप लोगों को नहीं मिला पाई। इंशाल्लाह फिर कभी मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर आप लोगों को मिलाऊंगी, जाऊंगी वहाँ पर तो फिर मिलाऊंगी, क्योंकि हमको फौरन ही इधर वापस आना पड़ा, क्योंकि फिर यहाँ आए दवाखाने में थे, मेरी बेटी की नानी सास 15 दिन से दवाखाने में थे, फिर अब जाके उनका बेचारों का इंतकाल हो गया। बहुत तकलीफ़ में थे बेचारे, बहुत तकलीफ़ में थे, उनका इंतकाल हो गया। रात के 11 बजे फिर लेकर आए और रात के 1 बजे कब्रिस्तान लेकर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे उनको। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।